योर ऑनर, मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मेरे हस्बैंड ने खुद ये नशीली दवाई ली होती तो उस दवाई के पैकेट में इनके फिंगरप्रिंट्स होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उस दवाई के पैकेट में मधुलिका के फिंगरप्रिंट्स थे। डिफेंस की सारी दलीलें सुनने के बाद उनके द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ये फैसला लेती है मिस्टर संजू बाजवा को परिणीति सीरियल में आएगा बड़ा ट्विस्ट। परी और राजीव को नजदीक देख नीति को होगी फिर से जलन। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर परी जो है राजीव के लिए सारे सबूत ले लेती है और वो सारे सबूत होते हैं मधुलिका के खिलाफ। अब वो सबूत लेकर परी कोर्ट में ना पहुंचे इसलिए मधुलिका अपने गुंडे भेज देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि परी भागी भागी फिर रही है और उसे इतनी प्यास लगती है कि उसे राजीव की भी याद आने लगती है। लेकिन परी सोचती है कि ये एक मुश्किल घड़ी है जो कि टल जाएगी। यहाँ पर आने वाले एपिसोड में आप बड़ा ट्विस्ट देखने वाले हैं, जहां पर आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से शो की कहानी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप ये देखेंगे कि जो परी है वो राजीव को यहाँ पर निर्दोष साबित करती हुई दिखाई देती है सबूतों के आधार पर। एक तरीके से यहाँ पर जो परी है वो राजीव की वकील ही बन गई है, राजीव की वकालत करती हुई दिखाई देती है। इतना ही नहीं, आने वाले एपिसोड में आपको ये भी देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से राजीव जो है परी के साथ रोमांस करता हुआ दिखाई देगा और नीति जो है वो काफी कलपने वाली है। आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। खैर, फिलहाल के लिए तो इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।